4G इंटरनेट के बाद अब 5G इंटरनेट को लेकर बातें होने लगी हैं और दुनिया के कुछ देशों में 5G की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के नाम शामिल हो चुके हैं। धीरे धीरे 5G इंटरनेट पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक दुनिया भर में 5G वायरलेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू $4.2 अरब तक पहुंचने की संभावना है। साल 2025 तक 75 अरब इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस आने की उम्मीद है, जिससे ये दुनिया इंटरनेट की मदद से अधिकतर काम बड़ी आसानी से कर सकेगी। 5G कमर्शियल नेटवर्क आने के बाद पहला फायदा मोबाइल ब्रॉडबैंड को बढ़ावा मिलेगा। इसमें स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा, साथ ही हर घर तक बिना फाइबर लेन के फाइबर स्पीड पहुँचाई जाएगी। इंटरनेट की स्पीड बढ़ने से न सिर्फ जिंदगी आसान हो जाएगी बल्कि समय की भी बचत होगी। वर्तमान में कोई भी HD क्वालिटी की फिल्म डाउनलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन 5G आने के बाद ये सारे काम चंद मिनटों में पूरे हो जाएंगे और किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने में आपको बफरिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कई बार तार के माध्यम से आने वाले इंटरनेट कनेक्शन में कनेक्टिविटी टूटने की आशंका रहती है और कई बार कनेक्टिविटी टूट भी जाती है। 5G में उस तरह की समस्या नहीं होगी। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि 5G इंटरनेट की सुविधा किन किन देशों में लागू हो गई है। तो इन देशों में शामिल हैं अमेरिका, दक्षिण कोरिया और कुछ यूरोपियन देश, जैसे कि स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और ब्रिटेन का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, स्पेन, स्वीडन, कतर और द UAE में 5G की शुरुआत की घोषणा हो चुकी है और जल्द ही यहाँ 5G इंटरनेट की सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। वहीं दक्षिण कोरिया, चीन और जापान जैसे देश अगले साल 5G तकनीकी को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इसके लिए उनका सारा काम भी पूरा हो चुका है। जिस तरह बुलेट ट्रेन के लिए पूरी तरह अलग ट्रैक बनाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह 5G तकनीक के लिए भी कुछ खास इंतज़ाम करने होते हैं। इसके लिए 80% मोबाइल टावर को ऑप्टिकल फाइबर से लेस करने की ज़रूरत होती है और देश में मात्र 15% टावर ही इस तकनीक से जुड़े हुए हैं। अभी तक जो स्थिति है उसके मुताबिक 5G तकनीक आने में 3 से 4 साल लग सकते हैं और जानकारों का ये भी कहना है कि जब 4G तकनीक ही पूरे देश में अपने पैमाने पर खरी नहीं उतर रही है, तो ऐसे में 5G तकनीक की बात करना जल्दबाजी हो सकती है। एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया था कि 4G सर्विस पूरे विश्व में सबसे धीमी भारत में ही चल रही है, तो अगर 4G यहाँ पर सबसे धीमी चल रही है तो 5G कनेक्टिविटी भारत में कैसे लाई जाएगी और उसे कैसे चलाया जाएगा। सरकार का कहना है कि 5G जैसी तकनीक देश में आए, इसे देखते हुए नई टेलीकॉम नीति बनाई जा रही है और देश के लोगों के लिए जल्द ही 5G इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.